ओम खड़गम चक्र गदे सुजाप परिघाम शूलंभुजुंडिम शिरा शंखम संददधिम करैस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युतिमास पाद दशगाम सेवे महाकालिकाम यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजु हंतुम मधुम कैटभम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हमारा विषय है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या कुछ होने के योग दिखाता है। देखिए बृहस्पति राशि वालों, आपके वृश्चिक राशि वालों को आपको समझ लेना चाहिए कि ये वृश्चिक राशि 8 नंबर की जो राशि है उसमें जब लग्न में वो उपस्थित होती है, लग्न राशि बन जाती है, तो ऐसे में जब बृहस्पति कहाँ कहाँ के भाव के स्वामी हो जाते हैं, एक तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हो जाते हैं और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से आपके पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। और इस वक्त बृहस्पति महाराज राहु के साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चल रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके छठे भाव में। छठे भाव के बृहस्पति जब चलते हैं तो छठे भाव के बृहस्पति राहु के साथ होने के कारण से वहाँ कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना देते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति को कई प्रकार के संघर्ष करने के योग बन जाते हैं, साथ साथ कई प्रकार में जहाँ भी कार्य करते हैं उसमें कई प्रकार के हानि होने के, धन की हानि होने के योग भी बनते रहते हैं। और कई बार बड़े लोगों से, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके साथ भी कुछ कई प्रकार से अनबन होने के योग बन जाते हैं। और राज जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कई बार बृहस्पति यहाँ पर जब आ जाते हैं और साथ साथ जिस प्रकार का योग बनाते हैं वो चोरी, भय, नुकसान इत्यादि के योग भी कई प्रकार से बनने के योग बन जाते हैं। कई उच्च अधिकारियों के साथ भी अनबन होने के योग बृहस्पति के कारण से बन जाते हैं। तो कहा जाता है भाग्य के अनुसार से कई बार पूरी तरह से सुख प्राप्ति करने के योग नहीं बन जाते। और कई बार मानसिक तौर पर व्यक्ति के मन में गलत तरफ से, यानी जुआ इत्यादि, सट्टे इत्यादि में काम करने का रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि में हो रहा था, वहाँ राहु पहले से ग्रसित हैं और जिस प्रकार से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रखा है तो ये सारा का सारा बुद्धि के ग्रह जो है, आपके पंचम भाव के बुद्धि के स्वामी जो हैं, वो षष्ठ भाव में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो सारा का सारा इस प्रकार का अवस्थित है। अब 6 सितंबर को बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति मार्गी थे और बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ऐसे में 21 अंश के हैं बृहस्पति 6 तारीख को और सुबह 4:27 पर तब वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, यानी उनकी गति जो है वो आगे बढ़ने के बजाय धीरे धीरे अंश कम करने शुरू कर देगी। और जब बृहस्पति महाराज यहाँ पर रहेंगे तो भरणी नक्षत्र में बृहस्पति विद्यमान है और भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में यहाँ पर उपस्थित हैं। और धीरे धीरे जब घटना शुरू होगा तो 21 दिसंबर तक बृहस्पति ये वक्र अवस्था में रहने वाले हैं 4:31 पर, और तब मार्गी होंगे और उस वक्त उनके अंश हो जाएंगे करीब करीब 11 अंश, यानी मेष राशि में 11 अंश पे अश्वनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर जब स्थित हो जाएंगे वापस घटते घटते, तब जाकर पुनः मार्गीय अवस्था प्राप्त करेंगे। ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बनेंगे। अब ये धीरे धीरे जब घटाव होगा तो ये बृहस्पति आपके लिए, ये बृहस्पति का जो वक्र स्थिति को प्राप्त करना है, एक तरह से बड़ा शुभ योग बनाने वाला है। एक तरह से आपने पिछले जो 4-6 महीनों में जो उठापटक देखी है, कई प्रकार से लोगों से आपके ये भाव उत्पन्न हुए कि जैसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जबरदस्ती लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे, अननेसेसरी के जुर्माने खर्चे होने के योग बन रहे थे। अब जैसे ऐसे राहु का परिवर्तन होगा और साथ साथ जैसे ऐसे बृहस्पति वक्री स्थिति में आगे चलते चले जाएंगे और ऐसे में 4 महीने तक का योग जो है आपके लिए कई भावों से आपको रास्ता दिखाने के योग बनाएगा, कई घाटों को बचाने के योग बना सकता है। बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए भाग्योदय कारक बन सकता है। कई जगह जो अनबन चल रही थी उसमें रास्ता ठीक बन सकता है। तो यह हम कहेंगे कि ऐसे में धन कमाने का मार्ग आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है विशेष तौर पर कि आपकी मनोवृत्ति कहीं गलत तरफ से धन लगाने कमाने की तरफ ना चल जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो सट्टे इत्यादि के काम है उन सबसे बचा के रखने के लिए, जबरदस्ती वाले काम जो है उनसे बचा के रखने की ज़रूरत है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं, एक बात का ध्यान रखें। अब जो ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है वो भी आपको समझा दिया कि क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बृहस्पति का अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए आप कोशिश करें अपने पिता से, अपने गुरुजन से, अपने बड़ों से अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करें। जितना उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखें, एक और काम कर सकते हैं, हर रोज़ सुबह एक काम करें, एक रोटी लेकर कुत्ते को अवश्य डालने का प्रयास करें।
जितने श्वान की सेवा करने का आपको अवसर मिले उतना अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी बृहस्पति को भी ताकत मिलने की कोशिश योग बनेगा और बहुत सारे आपके जीवन में जो इस वक्त अशुभ प्रभाव ग्रह के हो रहे थे उससे को भी ठीक करने के योग बन सकते हैं। तो इस उपाय को कर आप बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन के योग बना सकते हैं। एक काम और करें, बृहस्पति के निमित्त ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्यपति कम से कम 108 बार हो सके तो हल्दी माला से जप करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें बृहस्पति को ताकत देने के बहुत अद्भुत योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे। बृहस्पति आपके धनेश भी हैं आपकी राशि के अनुसार से और साथ साथ आपके बुद्धि के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में इन दोनों ग्रहों भावों के स्वामी होने के कारण से जब बृहस्पति वक्र स्थिति में जा रहे हैं तो आपको कुछ खास उपाय जो हमने आपको बताए अवश्य कर अपने बृहस्पति के योग को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत साधारण प्रेडिक्शन है जिसको हमने आपके समक्ष उपस्थित किया है। ये सारे के सारे जिस प्रकार की अवस्था बना रहे हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में दो मुख्य ग्रह ऐसे में परिवर्तन की तरफ जाएंगे, यानी 6 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में दो मुख्य ग्रहों का परिवर्तन। ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इन दोनों ग्रहों का बृहस्पति के साथ संबंध चल रहा है। एक तो बृहस्पति विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त बृहस्पति और का राहु का योग चल रहा है और करीब करीब पिछले 18 महीने से राहु यहाँ चल रहे थे, अब 2 महीने बाकी हैं और राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और जब से बृहस्पति यहाँ पर आए मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में, तब से राहु का प्रभाव उनके ऊपर था और बृहस्पति के पूर्ण कार्यों में विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अब राहु 30 अक्टूबर को बृहस्पति राहु परिवर्तित होने के योग बनाएंगे और वो छठे भाव से उठकर पंचम भाव में चले जाएंगे और ऐसे में राहु का परिवर्तन करना एक तरह से आपके बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को कम करने वाला होगा। तो ये बहुत सुंदर योग बनेगा। इसके साथ साथ शनि महाराज भी जो वक्री चल रहे हैं वो भी मार्गी होंगे। शनि महाराज 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और करीब करीब दोपहर को 12:08 पर मार्गी होंगे। तो ऐसे में जो शनि महाराज बृहस्पति पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं उनको भी अच्छे समझ लेना चाहिए। आपके बृहस्पति महाराज जो है वो शनि से इस वक्त दृष्ट है और चतुर्थ भाव में शनि बैठकर आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए बृहस्पति को एक तरह से देख रहे हैं। वहाँ बृहस्पति के वहाँ देखने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो बृहस्पति वहाँ बढ़ा रहे हैं शनि महाराज की दृष्टि उन पर पड़ेगी तो वो कम करने के योग दे रहे हैं। तो एक तरह से बृहस्पति पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो किसी न किसी प्रकार से शुभ प्रभाव ही उत्पन्न करने के योग देगी। तो आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो बृहस्पति का मार्गी से वक्री होने की स्थिति है ये कई प्रकार से शुभ देने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको 2 उपाय बताए, उनको पुनः समझ लीजिए। एक तो श्वान की सेवा, कोशिश करें सुबह सुबह विशेष तौर पर एक काम करने का प्रयास करें, सुबह सूर्य उदय से पहले पहले कुछ रोटी लेकर या ब्रेड लेकर या कोई भी खाने की चीज़ लेकर कुत्तों को अवश्य डालने का प्रयास करें। ये आपको बहुत सुंदर लाभ देगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा, आपके शत्रु जो आपके लिए बढ़ने के अननेसेसरी परेशान करने के योग दे रहे हैं उन सबको ठीक करने का मार्ग ये सुंदर तरीके से आपको प्राप्त करा सकता है। लगना कुछ नहीं है, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि पिता और पितातुल्य व्यक्तियों का सम्मान ये विशेष तौर पर करने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं और साथ साथ हो सके तो कभी कभी बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल को भिगोकर गाय को खिला दिया कीजिए। थोड़ी सी चाय दाल रात को भिगो ली और सुबह सुबह गौशाला में जाकर गाय को खिला दिया, अपने हाथ से खिला दीजिए, गाय जहाँ गाय की सानी होती है उसमें मिलवा दीजिए। देखिए बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। 4 महीने बृहस्पति विशेष तौर पर वक्री होने वाले हैं और उसके बाद बृहस्पति महाराज पुनः मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर को और फिर करीब करीब 4-5 महीने का शुभ योग बनेगा आपके लिए और वो बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति का राहु के साथ जो योग चल रहा था पिछले करीब करीब मान के चले 4 महीनों से और अभी 2 महीने करीब करीब और बाकी हैं, इसमें जब राहु परिवर्तित होकर जाएंगे तो बहुत लाभ देंगे। तो ऐसे में जो हमने उपाय बताया आपको जो श्वानों की सेवा करने का ये बहुत सुंदर है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए आपके अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है, लाभ के योग बना सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए रास्ता बन सकता है। हाँ, कोई पैतृक संबंधित कष्ट चल रहा हो, योग परेशानी चल रही हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ निराकरण कर लीजिए। एक बात समझ लीजिए, कई बार कोई क्लैश चल रहा होता है भाइयों में या किसी प्रकार से, तो ऐसे में ये 4 महीने का जो समय आ रहा है पैतृक संबंधित समस्या कष्ट को दूर करने के लिए आप यदि सही तरह से कार्य कर लेंगे तो उसमें रिलीफ प्राप्त करने का योग बन सकता है। तो ऐसे में किसी से कोई संबंध खराब चल रहे हैं, बृहस्पति महाराज जैसे ही राहु से हटे, तो जब राहु से हटेंगे तो बृहस्पति महाराज मकर अवस्था में होंगे। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा,
आपका किसी ना कहीं क्लैश चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, कहीं सम्मान विवाद चल रही है, उसको ठीक करने के, उन जो गलत रास्ते हो गए हैं, परेशानी हो गई है, उनको ठीक करने के लिए आपको नवंबर और दिसंबर का पूर्ण समय मिलने वाला है। ऐसे में यदि सही दिशा में आप काम कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से उन आपस के संबंधों में जो खटास आ गई है उसको ठीक करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। ध्यान रखना है केवल गलत रास्ते पर नहीं जाना है, गलत मार्ग से कार्य करने की प्रवृत्ति आपके अंदर प्रवृत्त हो सकती है, तो उससे बचने का आप प्रयास कीजिएगा, तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इसके अलावा भी ये तो गोचर का फल है, लेकिन जिनकी दशा चल रही है, कहीं किसी और कष्ट चल रहे हैं, तो उन सब लोग व्यक्तियों को भी अलग से समझने का प्रयास करना चाहिए बृहस्पति महाराज कैसे रहेंगे उनके लिए, और ये सब चीज़ समझ कर आप अपने भाग्य को और अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।